मस्जिद इलाके में डॉक्टर और पुलिस की टीम पर हुए जानलेवा हमले और पथराव करने के आरोप में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, अब तक मामले में 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं पुलिस अधिकारी के अनुसार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मुरादाबाद, जहां पर स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया था, इस मामले में अब तक कुल 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। क्षेत्र में मेडिकल और पुलिस टीम पे हुए पथराव की घटना में आज दो और लोगों को अरेस्ट किया गया। अब तक कुल 20 लोगों को अरेस्ट कर जेल भेजा जा चुका है। बाकी जो अभियुक्त है उनकी भी गिरफ्तारी जल्द सुनिश्चित की जाएगी। हमारी पुलिस टीम के द्वारा लगातार संभावित क्षेत्रों पर रेड लगातार की जा रही है। हमारे साथ शाहरुख हुसैन जुड़ गए हैं मुरादाबाद से, हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ। शाहरुख, ये राहत की बात कही जा सकती है, लगातार आरोपी पकड़ में आ रहे हैं जिन्होंने ये जघन्य, एक तरह से हम कहेंगे, और बहुत ही शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया था, पथराव किया था स्वास्थ्य कर्मियों पे। ऐसे में जो ये जो दो आरोपी पकड़े गए हैं, क्या किस आधार पर पुलिस ने पकड़े हैं, क्या सीसीटीवी कैमरे के जरिए तलाश की गई, क्या जानकारी निकल कर आ रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये घटना हुई ये पूरी निंदीय है। और जिस तरीके से 15 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग की टीम पर नागफनी क्षेत्र में हमला किया गया था, पथराव कर डॉक्टर को घायल किया गया था, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की दो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई थी और एक पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई थी, जिसके बाद प्रशासन ने वहां पर चौकसी बढ़ाकर 15 अप्रैल को ही 17 लोगों को गिरफ्तार किया था। हालांकि उसके बाद एक आरोपी को और गिरफ्तार किया गया था, जिसमें टोटल गिरफ्तारी 18 लोगों की हुई थी। कल पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी, जब पुलिस ने दो आरोपियों को और गिरफ्तार किया। लगभग अब तक 20 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस कर चुकी है। बाकी अभी भी कुछ लोग रामगंगा विहार की दूसरी साइड छिपे होने की आशंका है पुलिस को, तो पुलिस ड्रोन कैमरे की मदद से उन लोगों की छानबीन कर रही है। और इसमें लगभग 7 टीमें बनाई गई हैं जो अलग अलग जिलों में आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है। धन्यवाद आपका शाहरुख, तमाम जानकारी के लिए।